प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभातखबर.com। देश में 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई, जबकि पहले ही दिन मोदी कैबिनेट की बैठक भी हुई। बैठक में सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। किसानों MSME को लेकर फैसले किए गए। बैठक में केंद्र सरकार ने MSME की परिभाषा बदलते हुए दायरा भी बढ़ाया है। MSME के कारोबार की सीमा 5 करोड़ रुपए की गई है। सरकार का दावा है कि कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों से रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी। खास बात यह है कि MSME को लोन देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए लोन देने का प्रावधान है। इसका लाभ सैलून, पान की दुकान और मोची को भी होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार व्यवसाय को आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है। MSME को लोन देने के लिए 3 लाख करोड़ की योजना है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए लोन की योजना लाई गई है। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। किसानों के लिए यह बड़ा ऐलान है। मक्का के समर्थन मूल्य में 53% की बढ़ोतरी की गई है, जबकि तुअर और मूंग में 58% की बढ़ोतरी हुई है। 14 फसल ऐसी हैं जिसमें किसानों को 50 से 83% तक ज़्यादा समर्थन मूल्य दिया जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि अभी तक सरकार ने 360 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। इसी के साथ 95 लाख मीट्रिक टन धान और 16.07 लाख मीट्रिक टन दाल की खरीद भी की गई है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,868 रुपए किया गया है। खास बात यह है कि नितिन गडकरी ने बताया कि MSME की मजबूती से निर्यात बढ़ेगा। 25 लाख MSME के पुनर्गठन की उम्मीद है। मजबूत MSME के 15% इक्विटी खरीदने की योजना है, जबकि कमजोर उद्योगों को उबारने के लिए 4,000 करोड़ का फंड दिया गया है। इससे MSME से जुड़े 6 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रभातखबर.com। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।